I'm fucked up. I'm black and blue. I'm ill for all the abuse. I got secrets that nobody knows. वास्तविकता के साथ जागो. तो गाइस देखो अभी के टाइम में फ्री फायर गेम के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है. जैसे आपका फोन लैग कर रहा होगा अभी के टाइम में जब भी आप फ्री फायर गेम को खेल रहे होंगे. उसके अलावा आपने देखा होगा कि गन वगैरह भी रिकॉइल हो रही होंगी एंड कभी कभी तो आपका गेम यार ऑटो बैक ही हो जाता है आपके लो एंड डिवाइस में. एंड देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना वो है गाइस लैग की. यस गाइस इस लैग से ना गाइस हर एक बंदा हर एक लो एंड डिवाइस प्लेयर काफी ज्यादा परेशान रहता है. बिकॉज ऐसे को वो चाहते हैं अच्छा खेलना बट वो अपने डिवाइस और लैग की वजह से अच्छा नहीं खेल पाते एंड वो वहां पे मर जाते हैं. सो गाइस देखो अब आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी. आपका भाई आ चुका है लैग फिक्स की वीडियो लेकर. इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ यूनिक तरीके से आपका लैग फिक्स करने वाला हूँ. ठीक है अब देखो उस तरीके से आपका लैग फिक्स तो होगा ही होगा. उसके अलावा आपकी जो है गन रिकॉइल एंड ऑटो बैक में भी काफी ज्यादा सुधार होने वाला है. तो ये वीडियो ना काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है एंड हर एक वीडियो से वीडियो हटके होने वाली है बिकॉज मैं आपको कुछ न्यू तरीका बताने वाला हूँ. तो इस बात के लिए वीडियो को अभी से लाइक कर देना एंड मेरी मेहनत के लिए प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो. आपके लिए मेहनत करता हूँ ना आपको बटन दबाना बस सब्सक्राइब कर लेना. तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. तो इसको आज की इस वीडियो के अंदर हम डेवलपर ऑप्शन की मदद से लैग को फिक्स करने वाले हैं. यस गाइस अब देखो डेवलपर ऑप्शन की वाली सेटिंग हर एक के फोन में होती है बट गाइस वो उसमें अच्छी तरीके से सेटिंग नहीं कर पाते. अगर आप डेवलपर ऑप्शन में मेरे अकॉर्डिंग सेटिंग कर ले तो मैं हर एक के डिवाइस के अकॉर्डिंग सेटिंग बताऊंगा. अगर आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग डेवलपर ऑप्शन में सेटिंग कर लेते हो ना गाइस तो आपका लैग तो फिक्स होगा ही होगा. उसके अलावा आपके गन रिकॉइल एंड ऑटो बैक में भी सुधार हो जाएगा. तो मैं आपको डेवलपर ऑप्शन में A to Z सेटिंग बताने वाला हूँ. बस आपको ध्यान से वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है. अब देखो सबसे पहली बात है आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना आना चाहिए बिकॉज कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना ही नहीं आता. तो मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताने वाला हूँ. अब देखो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग को ओपन कर लेना है. सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना है एंड आपको एक अबाउट फोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा. इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद गाइस देखो आपको एक वर्जन का ऑप्शन आएगा. इस पर आपको क्लिक करना है एंड देखो अबाउट फोन में आपको एक ऑप्शन पक्का देखने को मिल जाएगा जिसका नाम होगा बिल्ड नंबर. तो आपको बिल्ड नंबर आपको 4 से 5 बार से टैप 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 करना है. ठीक है जैसे ही आप टैप 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 करोगे ना आपका जो है डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा. अब आपको इसे बैक करना है एंड ऊपर आपको सर्च कर लेना है डेवलपर. ठीक है जैसे ही आप डेवलपर को सर्च करोगे आपके सामने आपका जो डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा. अगर ये सबसे पहली बात है अगर ऐसे ऑफ होना तो सबसे पहली बात है आपको डेवलपर ऑप्शन को ऐसे इनेबल करना है. ठीक है ये इनेबल हो जाएगा एंड इसकी बहुत सारी सेटिंग नीचे आ जाएंगी. अब मैं आपको आपके लिए बेस्ट सेटिंग बता देता हूँ जिससे आपका लैग पूरा फिक्स हो जाने वाला है. अब देखो जैसे ही आप ऊपर से नीचे करोगे यहाँ पे आपको सबसे पहली सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नाम रहेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट. अब देखो इस वाली सेटिंग पर आपको क्लिक करना है एंड इस वाली सेटिंग को आपको एटमोस्ट 2 प्रोसेसर पर क्लिक कर देना है. कुछ यूट्यूबर लोग बताएंगे इसको नो करो. गाइस अगर आप नो करोगे ना तो आपका फ्री फायर गेम पहले से स्टार्ट नहीं होगा यानी आपके फ्री फायर गेम में रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी. तो आपको क्या कुछ करना है आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को एटमोस्ट 2 वाली पर क्लिक कर देना है. इसके बाद गाइस आपको ऊपर जाना है एंड यहाँ पर आपको एक और सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नाम रहेगा गाइस डोंट कीप एक्टिविटीज. अब देखो इस वाली सेटिंग को भी गाइस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है. इससे क्या कुछ होगा जिस भी एप्लीकेशन को आप मतलब बैक कर दोगे तो आपके बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं करने वाला है. तो इस वाली सेटिंग को भी आपको मस्ट इनेबल कर देना है. इसके बाद गाइस आपको ऊपर जाना है एंड ऊपर आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपको एक और सेटिंग देखने को मिल जाती है जिसका नाम रहेगा गाइस फोर्स 4xMSAA. तो इस वाली सेटिंग को भी आपको ध्यान से इनेबल कर देना है. ठीक है इसके बाद गाइस आपको ऊपर जाना है एंड जैसे ही गाइस आप ऊपर जाओगे यहाँ पर आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम रहेगा स्मॉलेस्ट विड्थ. इसको गाइस आप DPI भी बोल सकते हो. कुछ बंदे क्या कुछ करते हैं कुछ बंदे हेडशॉट वगैरह या फिर कुछ करने के चक्कर में अपनी DPI को
काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो गैस आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आप अपनी DPI को बढ़ा लोगे ना तो ये आपके फोन को हीट करेगा एंड आपका फोन और बैटरी काफी ज्यादा जल्दी खराब हो जाएंगे। तो आपको DPI को बिल्कुल डिफॉल्ट पर सेलेक्ट करना है। जो आपके फोन की DPI पहले से आई होगी उसी DPI पर ही आपको गेम प्ले करना है। इसके बाद गैस आपको ऊपर करना है एंड यहाँ ऊपर आपको तीन एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला होता है गैस विंडो एनिमेशन स्केल, दूसरा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, तीसरा होता है गैस एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो गैस यहाँ पर आप जितने भी तीनों जो एनिमेशन आप देख रहे हो सभी एनिमेशन को आपको 0.5x पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, विंडो को भी, ट्रांजिशन को भी एंड आपको एनिमेटर वाले को भी। इससे क्या कुछ होगा, जहाँ भी आपके फोन में एनिमेशन होंगे ना तो वो काफी ज्यादा फास्ट होंगे एंड आपका फ्यूचर गेम काफी ज्यादा कम लैग करेगा। तो गाइस ध्यान से आपको इन तीनों एनिमेशन को 0.5x पर ही सेलेक्ट करना है। इसको गाइस आपको ऊपर जाना है एंड ऊपर यहाँ पर आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम रहेगा गाइस ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंसेस। तो इस वाली सेटिंग पर फाइनली आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको नीचे अपने फ्री फायर गेम को सेलेक्ट करना है। फ्री फायर गेम को सेलेक्ट करने के बाद ये आपका डिफॉल्ट पर है ना, तो आपको फ्री फायर गेम को सेलेक्ट करके इसको सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखो ये वाली सेटिंग हो सकता है किसी किसी डिवाइस में ना हो, तो गैस आपको टेंशन नहीं लेनी, ये वाली सेटिंग किसी किसी डिवाइस में होती है और किसी किसी डिवाइस में नहीं होती। बट गैस अगर आपके डिवाइस में ग्राफिक्स ड्राइवर वाली सेटिंग आ रही है तो इसको मस्ट आपको सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पर सेलेक्ट कर लेना है। इस वक्त गैस आपको ऊपर जाना है एंड ऊपर गैस आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम रहेगा इनेबल GPU डीबग लेयर्स। इस पर आपको क्लिक करना है एंड इस वाली सेटिंग को भी आपको ध्यान से इनेबल कर लेना है। अब देखो ये वाली सेटिंग यहाँ से आपकी पूरी हो जाती है, आपने सेटिंग तो कर ली बट गैस अभी ये सेटिंग आपकी अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब देखो इन सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट कर देना है। आपको देखो पावर ऑन ऑफ वाले बटन पर प्रेस करना है एंड अपने फोन को एक बार आपको ऐसे रीस्टार्ट करना है। आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा एंड रीस्टार्ट हो गए जैसे आपका फोन इनेबल होगा ना, ओपन होगा, तो आपकी ये वाली सेटिंग पूरी तरीके से इनेबल हो जाएंगी। फिर आपको फ्री फायर गेम को खेलना है, आप देखोगे आपका फ्री फायर गेम पहले से काफी ज्यादा स्मूथ चलने लग जाएगा। अब देखो ये बात रही सेटिंग की, सेटिंग तो आप लोग कर ही लोगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्विक फाइल के बारे में। बहुत सारे बंदे मेरे से बोलते रहते हैं यार लब्बा यार लैग पिक्स की कॉन्विक फाइल दिया करो। तो फाइनली गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको लैग पिक्स की कॉन्विक फाइल भी देने वाला हूँ। आप इन सेटिंग को भी अप्लाई कर लेना, उसके बाद आप कॉन्विक फाइल लगा लेना, आपका लैग मैं सही बता रहा हूँ पूरा फिक्स हो जाने वाला है। अब देखो मैं आपको बताया तो आपको कॉन्विक फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। आपको देखो कॉन्विक फाइल मैंने डाल दी अपने व्हाट्सएप चैनल पर, मैंने एकदम लेटेस्ट वर्जन की एंटी बैन एकदम OP लेवल की कॉन्विक फाइल डाल दी है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर मैंने दोनों कॉन्विक फाइल डाल दी है, फ्री फायर के लिए भी एंड फ्री फायर मैक्स के लिए भी। तो आपके पास अगर लो एंड डिवाइस है ना तो आप उन कॉन्विक फाइल को यूज़ कर लेना, प्लस इन सेटिंग को भी यूज़ कर लेना, आपका लैग पूरा फिक्स हो जाने वाला है। गाइस बस यही है वीडियो को ध्यान से आपको लाइक कर देना है, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वाली सेटिंग मैंने बताई सेम टू सेम कर लो, आपका लैग बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।